स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की हिंदी कोर पढ़ने वाले हैं। बुक है आरोह भाग दो और आज की इस कविता का नाम है छोटा मेरा खेत। ठीक है, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस कविता से। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस कविता के जो कवि हैं वो है उमा शंकर जोशी जी। और इस कविता में जो ये कवि हैं उन्होंने अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। यानी कि कवि ने अपना जो भी वो काम करता है, कवि का काम होता है रचना करना, कविताएं लिखना, तो कवि ने अपने कर्म को क्या बताया है, एक किसान की तरह बताया है। कैसे? जैसे कि किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर जब वो पुष्पित होकर जब परिपक्व होता है तब उसकी कटाई होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। इसी की तुलना कवि ने अपने कवि कर्म से भी की है। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से एक कवि के लिए भी ये सब चीजें होती हैं। अब वो क्या होते हैं ये आप व्याख्या जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग दो में संकलित उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, ये काव्यांश कहां से लिया गया है? छोटा मेरा खेत नाम से जो कविता है वहां से। तो सबसे पहले हम कविता की लाइनों को पढ़ेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। अब इसका प्रसंग ये है कि कविता की इन पंक्तियों में खेती के रूपकों, यानी कि जो खेती के बहुत सारे मतलब रूपक होते हैं, जैसे कि बीज बोना, अंकुरित होना और फलने फूलने का जो मतलब जितना भी होता है, उसके बाद जब अंत में फसल कटने का जो वर्णन होता है, वो पूरा करते हुए कवि बताता है कि कोई भी रचना ठीक खेती की फसल की तरह ही होती है। जब एक कवि अपनी रचना को जब लिखने के लिए बैठता है तो वो भी एक तरीके से जैसे खेती का प्रोसेस होता है, उसी तरीके से रचना का मतलब भी एक प्रोसेस होता है। जैसे कि कवि कहता है, मैं भी एक प्रकार का किसान हूं। ठीक है, कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चकोर खेत के समान है। देखो, खेत भी चकोर होता है और जो कवि का पन्ना है वो भी चकोर है। तो यहाँ पे कवि ने अपने पन्ने की तुलना एक चकोर खेत के समान करी है। ठीक है, अंतर दोनों में इतना ही है कि किसान अपनी जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता को उगाता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कि वो अपने कागज रूपी खेत पर कविता को उगाता है। ठीक है, और क्या है, जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आई आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज ना जाने कहाँ से चला आता है। ठीक है, और यह भाव रूपी बीज मेरे मन में मतलब मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। और फिर क्या होता है आगे, वास्तव में देखो जो भी कविताएं होती हैं या जो भी रचनाएं होती हैं वो मनोभावों की ही उपज होती है। यानी कि जब कविता जो लिखते हैं लोग, जो जो लोग होते हैं, जो कवि होते हैं, उनके जो मनोभाव होते हैं, जो उनकी मतलब भावनाएं होती हैं जो उनको आती हैं, ठीक है, जो भाव आते हैं उनके मन में, उन्हीं से ही वो आगे जाके उसको एक रचना का रूप देते हैं। जिस प्रकार धरती में बोया हुआ जो बीज होता है वो विभिन्न रासायनिक तत्वों जैसे कि हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है। ठीक है, और वैसे ही कवि के मनोभाव काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है आगे देखते हैं, कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात करता है। यानी कि जब उसमें फलना फूलना शुरू हो जाते हैं वो जो अंकुर, ठीक है, तो इस तरीके से आगे क्या होता है कि जिस प्रकार अंकुर पूरे खेत में विकसित होते हैं, ठीक है, जब वो बीज का विकास होने लगता है, जब वो परिपक्व होने लगता है, तो वो अपने खेत को क्या करते हैं कि आसपास अपने पत्तों को फूलों से भरकर मतलब चारों तरफ विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं। वैसे ही कवि के शब्द रूपी जो अंकुर हैं, ठीक है, इन शब्दों से ही तो एक रचना बनती है। वो शब्द रूपी अंकुरों का जब विकास होता है, विकसित होते हैं, तो वो एक रचना बन जाते हैं, वो एक कविता बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे की लाइनें हैं, झूमने लगे फल रस आलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। यानी कि कवि यहाँ पे क्या कहता है कि अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए ये बताता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पित और पल्लवित जो उसकी रचना है, ठीक है, वो मतलब क्या है कि कैसे मतलब रचना रूपी फसल में कविता रूपी फल लगते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगी। जब कवि के हृदय में यानी कि दिल में पलने वाला भाव पक कर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है तो उसमें से अद्भुत रस झरने लगता है। यानी कि जब कविता बनती है, ठीक है, आनंद की अमृत धाराएं जैसे कि फूटने लगती हैं। ठीक है, और क्या होता है,
वह आगे कहता है कि इस प्रकार कवि कर्म के बाद जो रचना रूपी फसल उसने उपजाई, ठीक है, आपको समझ में आया कि जैसे किसान की एक फसल मतलब वो उपजाता है, और यहाँ पे कवि ने अपना कर्म करने के बाद रचना रूपी फसल उपजाई है, ठीक है, उसमें बोया तो उसने क्षण को, लेकिन काटने के बाद पाया अनंत को। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि उसको उस चीज को बोने में, उस चीज को बनाने में, रचना को बनाने में तो कुछ क्षण लगे थे, लेकिन वो एक बारी रचना बनने के बाद वो अमर हो जाती है। देखो, अनंत को काटने का अर्थ है कवि की रचना का कालजयी होना, यानी कि साहित्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जब रचना अपने समय को लांघकर और आगे के समय के लिए भी प्रासंगिक बनी रहती है। जैसे कि आपने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं देखी होंगी, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं किताबें, जो कुछ रामायण काल की किताबें आज तक पढ़ी जाती हैं, और भी मतलब ऐसे ही होते हैं जो चीजें अपने टाइम पे बनी थी और उस टाइम को लांग कर वो आज तक कालजयी हैं, यानी कि यही होता है कि किस तरीके से अनंत को काटती है रचनाएं, ठीक है। आगे है, कवि आगे कहता है कि उसकी यह सृजनात्मकता काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती, मतलब ठीक है, और मतलब बढ़ती जाती है, ये जो है मतलब जो उसकी सृजनात्मकता है ये कभी कम नहीं होगी, ये हमेशा बढ़ती जाती है। लोगों द्वारा अपनाए जाने प्रचार प्रसार और मतलब प्रचार से वो और भी ज्यादा उसकी जो रचना है वो फेमस होती है, जो भी कविता की मतलब जो रचनाएं होती हैं, ठीक है, जो कवि रचता है जिस चीजों को, वो जब लोगों के बीच में जाती हैं तो लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो इससे क्या होता है वो और ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिलती है उसकी रचना को, और वो प्रसिद्ध हो जाती है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती, वह युगों युगों तक रस देती रहती है, यानी कि कविता ऐसी चीज है कि वो कभी भी मतलब उसकी प्रासंगिकता कम नहीं होती, वो हमेशा प्रासंगिक रखती है कविता। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कवि अपनी कविता के बारे में बताता है कि जो कवि कर्म करने के बाद उन्होंने जो एक रचना की है, जो उसकी कविता है कवि की, उसके अंदर का जो रस है वो कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि जब आप कविता को पढ़ोगे आपको आनंद मिलेगा। अब इसका विशेष देख लेते हैं क्या होगा। भाषा सहज है, प्रभा युक्त है, विचार प्रधान है, ठीक है, कल्पना रूपी रसायन में रूपक है इसके अंदर, ठीक है, और शब्द रूपी अंकुर में ये जो लाइन आई थी इसमें रूपक है, और अगर हम देखें यह कविता मुक्त छंद की है, छंद मुक्त कविता है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, थोड़े थोड़े शब्द आपको हार्ड भी लगे होंगे अंदर वो इसीलिए है, ठीक है, बाकी छोटे मोटे आप जो अलंकार हैं वो आप ढूंढ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।